भाई ही बहनों का कातिल निकला। मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी से मिलने वाली तीन बहनों की लाशों का मुआम्मा हल हो गया है। मुलजिम बासित ने कत्ल का इतराफ कर दिया है। मेरी आवाज नहीं आई, मेरे बच्चे तुम्हारी आवाज नहीं आई। खेल ने कातिल बना दिया। पबजी का शौकीन भाई तीन बहनों का कातिल निकला। मुजफ्फरगढ़ में तीन कमसिन बहनों का कातिल पकड़ा गया। नुकसान हुआ पड़ा है बहुत बड़ा। मुझे तो बस कातिल चाहिए। जो भी है, मेरी एक नहीं, मेरी दो नहीं, मेरी तीन बेटियां। मेरी को आवाज नहीं आई, मेरे बच्चे तुम्हारी आवाज नहीं आई। मैं कैसे रहूं? कोई अपनी बेटी को दिखा दो, मेरे को छोड़ दो। मकतूल लड़कियों के सगे भाई बासित ने कत्ल का एतराफ कर लिया। भाई ने आला कत्ल भी पुलिस के हवाले कर दिया। बासित का कहना था कि वालदैन बहनों से ज्यादा मोहब्बत करते थे। एहसास से कमतरी के बायस तीनों बहनों को कत्ल किया। पबजी खेलने की वजह से कत्ल करने में आसानी हुई। सार्जेंट एजाज की 7 साला बेटी फातिमा और 8 साला जहरा खेलने के लिए प्लॉट में गईं, वापस नहीं आई। 11 साला अरीशा तलाश के लिए निकली तो वो भी गुम हो गई। ये कहते हैं नाम दो, मैं किस का नाम। लाशें खाली क्वार्टर से मिली। लाशों को चकवाल में अबाई गांव में दफन कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से एक फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू द कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।